बच्चों, ये देखिए मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है जो पुस्तक सहज वन की है। सहज वन मतलब बहुत आसान आसान, बहुत छोटी छोटी मात्राएं, बहुत छोटे छोटे शब्द दिए गए हैं। इस कहानी को पढ़ने के लिए मैंने बुलाया है इनको, प्रियांशी को। प्रियांशी तो पढ़िए बेटा। दादाजी जलेबी लेकर आए, जलेबी गर्म थी। दादाजी ने सबको जलेबी खाने को दी, सबने मिलकर जलेबी खाई। जलेबी खाकर सबने कहा वाह, जलेबी खाकर सबने कहा वाह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ा। देखिए ये कहानी बहुत छोटी है, कितनी, लगभग 5 लाइन की। ये दो अच्छा छोड़ी दो, 5 लाइन की कहानी है ना। अब हम बताते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। अगर हम पूछते हैं इसमें क्वेश्चन, देखो 5 लाइन की कहानी में तो ढेर सारा क्वेश्चन पूछेंगे, कम से कम 10 तो हो ही जाने हैं। हाँ, दादाजी क्या लेकर आए? जलेबी। क्या लेकर आए? जलेबी। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ ना, गिनते रहना कितना क्वेश्चन हुआ है अपनी उंगली पे। जलेबी कौन लेकर आया? दादाजी। जलेबी कौन लेकर आया? दादाजी। दूसरा क्वेश्चन और उसका आंसर आप लोगों ने दिया, मैं क्वेश्चन खाली पूछ रही हूँ, ठीक है। जलेबी कैसी थी? गरम थी। गरम थी। क्या जलेबी ठंडी थी? नहीं, गरम थी। दो क्वेश्चन ये हो गया इस लाइन से कि जलेबी कैसी थी। इस लाइन से बोला क्या जलेबी, इस लाइन से दो क्वेश्चन क्या बना, जलेबी कौन लेकर आया? दादाजी ने। दादाजी क्या लेकर आए? जलेबी। दो क्वेश्चन हुआ, जलेबी कैसी थी? गरम थी। क्या जलेबी ठंडी थी? नहीं, गरम। दो क्वेश्चन इस लाइन से हुआ ना, दादाजी ने सबको क्या खाने को दिया? जलेबी। जलेबी सबको किसने दी? दादाजी ने। दादाजी ने जलेबी क्यों दिया? खाने के लिए। तो इनको मिला के 3 क्वेश्चन हुए, वो ना 3 क्वेश्चन हुए। आप देखिए सबने मिलकर क्या खाया? जलेबी। जलेबी किसने किसने खाया? सबने। सबने खाया। दो क्वेश्चन इस लाइन से हुए, जलेबी खाकर सबने क्या कहा? वाह। सबने वाह क्यों कहा? जलेबी अच्छी। दो क्वेश्चन इस लाइन से हुए। अब देखिए 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 7, 2, 9, 9, 9, 2, 11, 11। हमने 5 लाइन में कितने क्वेश्चन बनाए? 11, 11। तो बच्चा जब किसी चीज को आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, अर्थपूर्ण तरीके से, मतलब उसको जब पढ़ेंगे दिमाग में बैठाते हुए सोचते हुए, तब जान पाएंगे कि मतलब जो उसका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे। और हम एक ही लाइन से कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। यस मैम। हमारे सामने ही बना के आप लोग को दिखाया है, ठीक है। तो इसको बारी बारी से सब लोगों ने तो पढ़ लिया, सबने पढ़ा कि कोई छूटा है? सबने पढ़ा। तो ये मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही थी कि क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, इसी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सब आपके सिलेबस से ही होते हैं। आप लोग कहते हैं ये तो क्वेश्चन किताब में दिया ही नहीं है, दिया होता है बेटा, एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। और बाकी जलेबी सबको पता है जलेबी कैसी होती है? जलेबी सीधी सीधी होती है ना? जी। सीधी होती है जी। जी? अरे बच्चा, जलेबी सीधी सीधी नहीं हो होती है, जलेबी खूब घुमावदार होती। जलेबी नहीं खाए हो? खाए हो, तब सीधी क्यों बता रहे हो? मैंने आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए पूछा कि जलेबी सीधी होती है, आप लोगों ने क्या कहा? हाँ, लेकिन सीधी नहीं होती है, जलेबी ऐसे होती है ना। अच्छा, संडे को पटौवा वाला मेला है ना? यस मैम। देखना जलेबी कैसी है, जलेबी मीठी होती है, खूब मीठी होती है, होती है ना। किसको किसको जलेबी पसंद है? देखो पसंद सबको है, बोला जाता है, जो चीज आप लोगों को जानकारी हो वो चीज बताई जाती है,
जलेबी ऐसे खूब गोल 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 होती है और सबको जलेबी बहुत अच्छी लगी, इसलिए सबने कहा वाह। और आप लोग को भी जलेबी बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग भी बताइए वाह वाह वाह। खाने को तो मिला नहीं। चलिए, थैंक यू।